नमस्कार, मैं विवेक टोकरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियां। भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकर्ता सम्मेलन में लगा नारा, अब की बार फिर मोदी सरकार। आपको बता दूं कि आज दिनांक 30/3/2019 को जनपद कौशाम्बी के चायल में स्थित रामनाथ डिग्री कॉलेज में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्य मंत्री अनिल राजभर का बतौर मुख्य अतिथि आगमन हुआ। कार्यक्रम में जनपद कौशाम्बी से भाजपा सांसद विनोद सोनकर, भाजपा विधायक संजय गुप्ता, विधायक लाल बहादुर भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए राज्य मंत्री अनिल राजभर ने विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया और कार्यकर्ता को सीधा संदेश दिया कि कमर कस लो, ये फैसले की घड़ी है। इस समय देश परिवर्तन के रास्ते पर गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब किसानों के बाजुओं में पंख लगा दिए हैं। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव आपके सामने है, सारी दुनिया की नज़र भारत पर होने वाले लोकसभा के चुनाव इस चुनाव पर है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक संजय गुप्ता ने कहा, सब कुछ भूलकर मोदी को वोट दो। उन्होंने कहा कि असली भाजपा ही वही है जिसमें राष्ट्रवाद की भावना भरी हो। कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि इतना कमल पर वोट पड़े कि सारा ईवीएम कमल के वोट से ही भर जाए। चायल विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि वहाँ गठबंधन को सबक सिखाना है, हमें भारत देश बचाना है। उन्होंने कहा, मोदी जी को देखो, देश के विकास के लिए वोट दो। कैमरामैन बलराम साहू के साथ सुनील साहू की ब्यूरो रिपोर्ट। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध।